कर्नाटका के भुवनहली गांव का एक छोटा सा लड़का जो कि एक एक्टर बनने का सपना देखता है और फिर अपने सपने को पूरा करने के लिए वो घर से खाली जेब बेंगलोर चला जाता है, जहां पर उसे कई रातें बिना खाने के फुटपाथ पर भी सोना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और एक दिन वो इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाता है। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ यश यानी कि हमारे रॉकी भैया। Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah. I've been working nightly. If you think you'll win, ha. रॉकिंग स्टार यश ने अपनी एक्टिंग से पूरे भारत को अपना दीवाना बना दिया है और वहीं इनकी हालिया रिलीज मूवी केजीएफ चैप्टर 2 ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। इस फिल्म ने सफलता का एक नया आयाम ही रच दिया है। प्रशांत नील की इस केजीएफ ने ना केवल यश बल्कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को भी एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। मैं अभी KGF चैप्टर 2 मूवी देख के आई। इस मूवी की तारीफ करने के लिए मेरे पास में शब्द नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूंगी कि अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो आपको ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। जब मैंने घर आकर यश की बायोग्राफी रीड की तो मुझे ये काफी मोटिवेशनल लगी और मुझे लगा कि इसे मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। आपको अपने सपने हर हाल में पूरे करने चाहिए, भले ही दुनिया आप पर हंसे चाहे कोई आपका साथ ना दे, क्योंकि जिस दिन आपके सपने पूरे होंगे ना उस दिन ये सारी दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। कहते हैं ना, झुकती है दुनिया बस झुकाने वाला चाहिए। ठीक इसी तरह की कहानी भी यश की है। यश का जन्म कर्नाटका के हासन जिले के भुवनहली गांव में 8 जनवरी 1986 को हुआ था। यश का असली नाम नवीन कुमार गोड़ा है और ये बाद में रॉकिंग स्टार यश के नाम से फेमस हुए। यश के माता और पिता का नाम पुष्पलता और अरुण कुमार गोड़ा है। यश की एक बहन भी है जिनका नाम नंदिनी गोड़ा है। यश के पिता पहले कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में ड्राइवर का काम करते थे और बाद में वो BMTC ट्रांसपोर्ट सर्विस में ड्राइवर का काम करने लगे। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यश के इतने बड़े सुपरस्टार बनने के बावजूद भी उनके पिता आज भी ड्राइवर का काम करते हैं। तभी तो SS राजामौली ने कहा था कि मेरी नजर में यश के पिता बड़े स्टार हैं। यश के पिता का कहना है कि वो खुद अपना काम कर रहे हैं और यश अपना काम कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, जब यश के पिता अपने काम के प्रति इतना डेडिकेटेड है तो यश कितना होंगे। अब जब यश थोड़ा बड़े हुए तो वो पूरी फैमिली सहित मैसूर शिफ्ट हो गए, जहां पर उन्होंने महाजन एजुकेशन सोसाइटी से प्री यूनिवर्सिटी कोर्स किया। तब यश के स्कूल में एक प्ले हुआ था जिसमें यश ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन यश को उसमें मेन लीड रोल नहीं मिला था, एक साइड रोल मिला था। लेकिन यश की एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि सभी लोग उनसे इम्प्रेस हो गए थे, तो यश ने भी एक्टर बनने का डिसाइड कर लिया। जहां पर यश के दोस्तों का सपना डॉक्टर टीचर और इंजीनियर बना था, वहीं यश का सपना अब एक्टर बनना था। यश ने अपनी फैमिली को अपने सपने के बारे में बताया तो फिर वही हुआ जो कि हर फैमिली में होता है। यश के पिता ने कहा कि आपको अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए, आपको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है। लेकिन यश पर तो एक्टर बनने का जुनून सवार था, तो यश के पिता ने कहा कि लेकिन अगर आप एक्टर नहीं बने तो आपका प्लान बी क्या है। तो यश ने बोला कि जब बनना ही एक्टर है तो फिर प्लान बी के बारे में क्या सोचना। यश का फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी गॉडफादर नहीं था, लेकिन आज यश जिस मुकाम पर है वो हमें ये सिखाता है कि चाहे आपका सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आपने वो सपना देख ही लिया है तो आपको उसे पूरा करने में लग जाना चाहिए। यश ने भी वही किया। यश खाली जेब घर से बेंगलोर चले गए और कहा कि अब घर पर तभी लौटूंगा जब मैं एक्टर बन जाऊंगा। यश ये बात अच्छे से जानते थे कि केवल पैशन होने से काम नहीं चलेगा, एक्टिंग तो सीखनी पड़ेगी। इसलिए यश ने बेनाका थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया जिसके फाउंडर थे BV कारत। लेकिन चीजें उतनी आसान नहीं होती जितना कि लगती है। ऐसा ही हुआ यश के साथ भी। यश को उस समय बैक स्टेज पर भी काम करना पड़ता था, जैसे कि चाय सर्व करना, स्टेज की सफाई करना एक्सेट्रा। यश को उस समय ज्यादातर साइड रोल ही मिलते थे, लेकिन हाँ अगर मेन एक्टर वहां पर उपस्थित नहीं हो पाता था तो यश को एक रिप्लेसमेंट एक्टर के तौर पर कास्ट कर लिया जाता था। कई बार ऐसे दिन भी आए जब पैसे ना होने की वजह से यश को फुटपाथ पर भी सोना पड़ा, लेकिन यश की हिम्मत कहां टूटने वाली थी, क्योंकि वो तो घर से कसम खाकर निकले थे कि अब घर पर वापस तभी आएंगे जब वो एक्टर बन जाएंगे।
अब खुद सोचिए, जिस इंसान में अपने सपने को पूरा करने का इतना जुनून हो तो उसके सपने को पूरा होने से कौन रोक सकता है। यश ने अपने कैरियर की शुरुआत टेलीविजन से की। उन्होंने 2004 में एक सीरियल में काम किया जिसका नाम था उत्तरायण, लेकिन इस सीरियल में यश का काम ज्यादा नोटिस नहीं किया गया। इसके बाद में 2005 में एक और सीरियल आया जिसका नाम था नंद गोकुला और यह सीरियल काफी हिट साबित हुआ। इस सीरियल में यश की को स्टार थी राधिका पंडित और इन दोनों की जोड़ी भी काफी हिट साबित हुई और यहाँ पर रील वाला प्यार रियल में बदल गया। राधिका पंडित ही यश की वाइफ है। इसके बाद में यश ने और भी कई सीरियल में काम किया। यश ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत साल 2007 में आई फिल्म जम्बाद हुदगी से की थी, लेकिन इस फिल्म में यश का रोल इतना छोटा था कि किसी ने भी यश पर ध्यान ही नहीं दिया था। इसके बाद में साल 2008 में आई थी फिल्म मोगिना मानसू जिसने यश को फिल्म इंडस्ट्री में एक नई पहचान दिलाई थी। इस फिल्म में भी यश के साथ में राधिका पंडित थी और इस फिल्म के लिए यश को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर भी मिला था। इसके बाद में यश को कई और फिल्में जैसे कि रोकी, कलार सेते और गोकुला में लीड रोल भी मिले, लेकिन ये मूवी ज्यादा सफल नहीं हो पाई थी। इसके बाद में साल 2010 में आई मूवी मुदल साल ने यश को सफलता दिलाई थी। यह यश की पहली सोलो कमर्शियल हिट थी। इसके बाद में यश ने कई और मूवी की जिनमें है राजधानी, लकी, जानू और ड्रामा। साल 2013 में आई मूवी गुगली ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया। अब तक यश की इमेज एक रोमांटिक हीरो वाली बन चुकी थी। इसके बाद में यश ने अपनी इमेज बदली। साल 2014 में आई यश की एक्शन मूवी गज केसरी और इस मूवी में लोगों ने यश के एक्शन अवतार को काफी पसंद किया। साल 2014 में यश की एक दूसरी मूवी आई जिसका नाम था मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी और यह मूवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की मूवीज की लिस्ट में शामिल हो गई। इस मूवी में भी यश के साथ राधिका पंडित थी। इसके बाद में यश की 2015 में आई मास्टरपीस को भी सफलता मिली। साल 2018 में आई मूवी KGF चैप्टर फर्स्ट यह पैन इंडिया प्रोजेक्ट था और इस मूवी की मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम ही होगा। अब तक यश जो कि केवल कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे अब वो पूरे भारत के स्टार बन गए थे। KGF के साथ ही शाहरुख खान की फिल्म जीरो भी रिलीज हुई थी। शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ जैसे बड़े स्टार कास्ट होने के बावजूद भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई और वहीं यश की फिल्म KGF ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता दर्ज की। रोकी भाई का नशा पूरे भारत पर इस तरह चढ़ा कि लोग अब KGF चैप्टर 2 का वेट करने लगे थे और 14 अप्रैल 2022 को यश की KGF चैप्टर 2 रिलीज हुई। इस मूवी ने अपनी रिलीज के पहले दिन ही 134.5 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इस फिल्म के शानदार एक्शन सीन्स, यश की एक्टिंग, धुआंधार डायलॉग, जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और रॉकी और उसकी माँ के बीच में फिल्माए गए सीन इतने शानदार है कि आप एक सेकंड के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपका पाएंगे। यश और उनकी फिल्म KGF अब एक फिल्म ना होकर लोगों के लिए इमोशन बन गई है। KGF चैप्टर 2 तो भी रिलीज हुआ है, वहीं ट्विटर पर KGF चैप्टर 3 ट्रेंड करने लगा। लोग कयास लगाने लगे कि KGF चैप्टर 3 में क्या होगा। इसे आप यश या फिर रॉकी भाई के लिए लोगों की दीवानगी कह सकते हैं। यश ने 9 दिसंबर 2016 को राधिका पंडित से शादी कर ली। यश का ऐसा मानना है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ अपने फैंस की वजह से हूँ, इसलिए यश ने अपनी शादी में पूरे कर्नाटका को ओपन इनविटेशन दिया और यश की शादी में करीब 40,000 लोग आए थे। यश ये भी कहते हैं कि आप चाहे कितने भी बड़े स्टार बन जाएं लेकिन आपको हमेशा ग्राउंड टू अर्थ रहना चाहिए। यश और राधिका ने 2017 में यशोमारक फाउंडेशन की शुरुआत की थी और इस फाउंडेशन की पहली पहल कर्नाटक के कोप्पल जिले से शुरू हुई जहां पर 4 करोड़ की लागत से सूखाग्रस्त इलाकों में स्वच्छ पानी पहुंचाया गया। ये वही यश है जिन्होंने एक्टर बनने का सपना देखा था और उन्होंने अपने इस सपने को साकार भी कर लिया। इससे एक बात हमें सीखने को मिलती है कि आपने चाहे कितना भी बड़ा सपना देखा हो लेकिन अगर आप अपने उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली एक दिन आप उसे अचीव कर ही लेंगे। इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।